बताएगा शुरू बोलिएगा तो शुरू करें। तीन मिनट अच्छा कोई नहीं ठीक। कल सर हत्याकांड हुआ है जिस तरीके से पटना में, क्या कहें, क्या हो रहा है बिहार में? शुरू करें। कल जो हत्याकांड हुआ है इसकी हम लोग जो है मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जल्द से जल्द जो है हत्यारा पकड़ा जाए। लेकिन आप लोग देखे होंगे हमने लगातार हर बार एक बात जरूर कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। जब तक सैकड़ों हत्याएं, अपहरण, फिरौती, रेप, गैंग रेप, वेबसाइटों की हत्या, उनसे रंगदारी जब तक सैकड़ों की संख्या में नहीं हो जाती है, तब तक नीतीश कुमार जी और उनकी डबल इंजन की सरकार को चैन से नींद नहीं आती है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सिलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के लोगों ने सेलेक्ट नॉमिनेट किया और उनसे गृह विभाग जो है वो संभल नहीं रहा। हास्यास्पद यह है कि विपक्ष सवाल उठाता है लेकिन बीजेपी के लोग भी सरकार से सवाल पूछते हैं। हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक दो दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। दो उप मुख्यमंत्री कौन से पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा, क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहां है प्रधानमंत्री जी, कहां गायब हैं? उनको तो अगर सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, किस बात का डबल इंजन का सरकार है यहां पर। इसलिए हम लोग लगातार इस मुद्दे को हम लोग जनता के बीच रखते रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार जी की बीजेपी की वो विधानसभा सत्र चाहते ही नहीं है। अद्भुत है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जो ट्रेडिशनल वे से ऊपर हट करके सत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम तो यही कहते रहे ये जो समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री जी करते हैं ये वाकई में समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक है। ये भिक्षा, पैसे पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, आरसीपी, टैक्स, ये उस बात की इनकी बैठक होती है। क्या हल निकलता है? इनका पुलिसकर्मी जो है एक शराब की बोतल के पीछे घूमता रहता है। यहां सैकड़ों हत्याएं, बलात्कार, लूट, रंगदारी, अपहरण, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी एक अफसोस प्रकट नहीं कर पाते, किसी पीड़ितों से नहीं मिलते,
और सवाल पूछा जाता है विपक्ष के लोगों से। इसलिए हम जो कहते हैं तो कुछ सोच समझ के ही कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, इनसे बिहार संभालने वाला नहीं है। अब थके हुए मुख्यमंत्री ने खुद ही बोल दिया कि भाई हमको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिसको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा वो तो अपना पल्ला झाड़ेगा। अब बीजेपी के लोग जो हैं, एक सवाल सरकार में मुख्यमंत्री से पूछ करके बचना चाह रहे हैं। इसमें अपराधीकरण में और जो सरकार बिहार सरकार की चल रही है, ये असल में सरकार गुंडा ही चला रहे हैं। इससे बचने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि भाई आपके इतने मंत्री हैं, दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, किस काम के, क्या काम कर रहे हैं। लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग जो हैं असहज महसूस कर रहे हैं, घर से निकलने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आप बताइए, अब तो घर में लोग घुस घुस के गोली मारे जा रहे हैं। एक गोली नहीं, सुनने में आया 15 राउंड चला जिसमें 6 गोली रुपेश जी को लगा। और इतने सज्जन व्यक्ति, इतने हसमुख व्यक्ति, हम लोगों का भी जाना एयरपोर्ट लगातार रहता है, मिलना जुलना रहा है, लंबे समय से हमारा भी उनसे संबंध रहा है। अब समझ में नहीं आता कि पटना जो राजधानी है, इतने पॉश इलाके में कितना किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा सीएम हाउस से, 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस से ये घटना को अंजाम दिया जाता है। एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2-3 व्यक्ति आकर के 15-15 राउंड गोली चलाते हैं और अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जितना ध्यान और जितनी मॉनिटरिंग आप एडिटिंग में करते हैं कि बिहार में अपराध का न्यूज ना सामने आए, बिहार में बलात्कार और भ्रष्टाचार का मामला सामने ना आए, अगर उतनी ही एडिटिंग और मॉनिटरिंग अगर आप ईमानदारी से क्राइम को रोकने में लगाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभालने वाला नहीं है। अगर विभाग नहीं संभल रहा तो किसी और को दे दें विभाग, गृह विभाग, क्या आपत्ति है। और वैसे भी कोई जबरदस्ती तो है नहीं, वो तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाएगा, वरना तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते, तो गृह विभाग क्यों रख रखा है, दे दें, क्या आपत्ति आनी चाहिए। और कोई इस मुद्दे से अगर आप लोगों का सवाल, लगातार घटनाएं जो है हर जगह हो रही है। अगर आप डेली अखबार का पन्ना खोल करके देखें या न्यूज में हेडलाइन देखें तो कभी दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। लेकिन नतीजा क्या है, अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते, भ्रष्टाचारी पकड़े क्यों नहीं जाते नीतीश कुमार जी के राज में, भय क्यों खत्म हो गया है, ये अपराधियों का तांडव हो रहा है पूरे बिहार में, तो इसमें तो जवाब दे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको सामने क्यों नहीं आते। सामने आकर के आप लोगों के सवालों का, जनता के सवालों का उनको जवाब देना चाहिए, ये जिम्मेवारी है उनकी, नैतिक जिम्मेवारी है, लेकिन चुप रहते हैं और यही कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार का खबरें और जो क्राइम की खबरें जो हैं वो दबा दी जाए। और कुछ नहीं ना, प्रशासन से पकड़ कमजोर हो गई है क्योंकि अगर डीजीपी को फोन किया जाए तो फोन नहीं उठाते, सवालों का जवाब नहीं देते। अरे हम तो कह रहे हैं कि बिहार जो है गलत हाथों में चला गया है,
हम तो सवाल पूछ रहे हैं, जंगल राज का महाराजा कौन है, महाजंगल राज का महाराजा कौन है भाई? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ही गुंडा चला रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस काम में लग रहे हैं? सरकार में रहने वाले लोग जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एकाध केस में संरक्षण दिया है, अब सबूत भी रखना पड़ेगा क्या? विधानसभा के पटल पे तो एक भ्रष्टाचार का मामला हमने रखा, क्या कार्रवाई की गई? एक सवाल है सत्ता पक्ष के एक नेता ने कहा है कि रुपेश हत्याकांड की जांच चल रही है, जल्द जो है मामला उजागर होगा, लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक के राज को भी नहीं भूलना चाहिए जब जो है अपराधियों को जो है पनाह दिया जाता था। एक अन्य मार्ग देखिए, कुछ है और कहने को, उनके पास कुछ है? सरकार में कौन है? सरकार में भाजपा के लोग हैं। क्या कर रहे हैं वो दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मतलब आपके साथ उनका कहने का मतलब है कि हत्याएं होती रहेंगी और आप निश्चिंत रहिए, चुपचाप बैठे रहिए, सवाल मत पूछिए। वो आपको अलगा कर रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं उनसे सवाल पूछने का, ये चलता रहेगा।